पोल आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 5 देशों के डॉक्टर आज तक पर बैठेंगे ये समझने के लिए कि जिन मुल्कों ने अभी तक जीत पा ली है या फिर लगभग कामयाबी की तरफ बढ़ रहे कोरोना की इस जंग में, उनकी क्या स्ट्रेटजी थी, क्या प्लानिंग थी, लॉकडाउन के आगे क्या है हिंदुस्तान के लिए। लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करें। सबसे पहले आपको बता दें, लॉकडाउन को लेकर आगे तमाम राज्य सरकारों की तरफ से गुजारिश क्या है, सूत्रों के हवाले से खबर ये आ रही है। कई राज्यों की लॉकडाउन बढ़ाने की अपील केंद्र सरकार तक पहुंची है, विशेषज्ञों ने भी लॉकडाउन बढ़ाने की अपील की है। इस खबर का अर्थ यह है 2 जून तक बढ़ाई जा सकती है स्कूलों की छुट्टी। फिलहाल जो जानकारी आ रही है, धार्मिक आयोजनों पर भी रोक लगी रहेगी 2 जून तक। अफसरों के ट्रांसफर भी 6 महीने तक टलने के आसार है, अभी 6 महीने तक ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। राजस्थान सरकार का लॉकडाउन पर नया बयान आया है, टास्क फोर्स की सिफारिश से लॉकडाउन पर विचार। तो तमाम राज्य सरकारों से यह कहा गया था कि वो अपनी अपनी रिपोर्ट दें। राज्य सरकारों का यह मानना है कि लॉकडाउन को बढ़ाना चाहिए, उनकी ये मांग है। सूत्रों की माने तो एक्सपर्ट्स ने भी लॉकडाउन को बढ़ाने की मांग की है। केंद्र सरकार इस दिशा में अब सोच रही है। राजस्थान सरकार, जैसा हमने आपको बताया, साफ किया है कि लॉकडाउन पर फैसला टास्क फोर्स की अनुशंसा के बाद ही होगा। पूरी दुनिया की हालत इस वक्त पस्त कर दी है कोरोना ने। हमारे देश में पिछले 14 दिनों से लॉकडाउन है, इसके बावजूद कोरोना के मामले बढ़े हैं। हालांकि स्पीड दूसरे देशों के मुकाबले कम है, लेकिन हमारे सामने जापान और दक्षिण कोरिया जैसे वो देश हैं जिन्होंने सख्ती, तमाम उपायों और लोगों के सहयोग से कोरोना पर जीत हासिल कर ली है। इस रिपोर्ट में देखिए कौन से मुल्क ने कौन सा रास्ता अपनाया और आज वो मुल्क कोरोना की इस जंग में कहां खड़ा है। फिर 5 देशों के डॉक्टर्स हमारे साथ उस पर लाइव चर्चा करेंगे। ये विश्व का कोरोना के खिलाफ जंग है और इसमें फतह या मात का फैसला हर मुल्क के आंकड़ों के हिसाब से बना कोरोना ग्राफ कर रहा है। जिसने इस ग्राफ को बेहिसाब ऊपर भागने से रोक लिया, यानी रुख नीचे की तरफ मोड़ दिया, जीत उसकी कहलाएगी। अब यही ग्राफ बता रहा है कि भारत के लिए ये लड़ाई एक कठिन मोड़ पर है। लेकिन इससे पहले कि कोरोना ग्राफ के जरिए हम आपको भारत की परिस्थिति बताएं, आज भारत में कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय का अपडेट। पिछले एक दिन में 354 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। टोटल 117 डेथ रिपोर्ट हुई हैं, जिसमें सिंस लास्ट वन डे 8 एडिशनल डेथ्स हैव बीन रिपोर्टेड। बढ़ते कोरोना मामलों की चुनौती पर अगर भारत को जीत चाहिए तो अब नजर उस ग्राफ पर जो हमें बताएगा कि किन मुल्कों से हमें क्या नहीं करने का सबक लेना है। वहीं जापान और दक्षिण कोरिया के रास्ते पर चलकर हम जीत कैसे हासिल कर सकते हैं। चीन के बाद जिन मुल्कों में कोरोना की तबाही बेहिसाब भागी, उनका कोरोना ग्राफ गवाही दे रहा है कि यहाँ मामले कितने दिनों में दोगुने होते चले गए। सबसे भयावह स्थिति स्पेन की है, जहाँ मामले शुरू से ही हर 2 दिन में दोगुने होने लगे। वहीं इटली में मामला हर 3 दिन में दोगुना हो रहा था। अमेरिका का भी ग्राफ देखिए कैसे हर 3.25 दिन के आसपास मामले लगातार दोगुने होते चले जा रहे हैं। स्पेन ने लगभग 15 दिन बाद ग्राफ को सीधा ऊपर भागने से रोका, हालांकि वहां अब भी हर 2.5 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। इटली को लगभग 1 महीना लग गया कोरोना ग्राफ को जरा सा मोड़ने में, जबकि अभी भी कई मामले हो रहे हैं। अमेरिका का ग्राफ बताता है कैसे वहां 15 दिन के बाद मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, हर लगभग 3.25 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। अभी भी अमेरिका कोरोना के मामलों पर नियंत्रण नहीं कर पाया है और केस बढ़ने के साथ उनका ग्राफ सीधा ऊपर की तरफ भागता ही चला जा रहा है। उधर चीन का ग्राफ बताता है कैसे वहां कोरोना के मामले शुरू में लगभग हर 3 दिन में दोगुने हो रहे थे, लेकिन अब उनके लॉकडाउन का कदम कारगर साबित हुआ और वो ग्राफ को मोड़ने में कामयाब रहे हैं। अब बात भारत की और उसके सामने खड़ी चुनौती की। साउथ कोरिया और जापान ने कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे बड़ी कामयाबी हासिल की। जापान को 100 से 1000 केस होने में 29 दिन लगे।
साउथ कोरिया ने जहां सबसे ज्यादा टेस्टिंग का सहारा लिया, वहीं मास्क पर शुरू से ही जोर दिया। जापान ने वहीं मास्क के इस्तेमाल पर शुरू से ही फोकस रखा था। भारत में अभी हर 4.1 दिन में मामले दोगुने हो रहे हैं। हालांकि स्वास्थ्य सचिव ने बताया कि अगर निजामुद्दीन मरकज का मामला तबलीगी जमात का नहीं हुआ होता तो कोरोना के मामले भारत में 7.4 दिन में डबल हुए होते, यानी सबसे बड़ा झटका मरकज से लगा। अगर हम तबलीगी जमात की घटना को और वो घटना ना हो उसको कंपेयर करें तो हमने देखा है कि जो हमारा डबलिंग रेट यानी कि कितने दिनों में केस डबल होते हैं वह करीब 4.1 है अभी। वो अगर ये घटना नहीं होती और ये एडिशनल केसेस हमारे नहीं आते तो वह करीब 7.4 डेज होती। अब आने वाले कुछ दिन तय करेंगे कि लॉकडाउन जारी रखने के साथ टेस्टिंग का रास्ता अपनाकर हम कैसे जीत हासिल करेंगे। भारत अब रैपिड टेस्टिंग का तरीका अपना रहा है। 5 लाख रैपिड टेस्टिंग किट का ऑर्डर दिया गया है जिसमें 2 लाख कल तक आ जाएंगे। भारत सरकार ने तमाम नागरिकों को मास्क के इस्तेमाल पर भी एडवाइजरी जारी की है। अगर आप घर से बाहर जा रहे हैं तो मास्क लगाना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो जैसा हमने आपको बताया कौन सा मुल्क कौन सा तरीका अपना रहा है, आखिर कैसे वो कामयाबी पा रहा है, हम आपको दिखाएंगे। चाहे वो दक्षिण कोरिया हो या फिर जापान, उन्होंने ऐसा क्या तरीका अपनाया कि कोरोना ग्राफ को वो बहुत जल्दी नीचे की तरफ ले गए, यानी सीधे ऊपर नहीं बढ़ा जैसा स्पेन, इटली या अमेरिका में हुआ था। हमारे साथ 5 मुल्कों के डॉक्टर्स इस वक्त आज तक पर जुड़ रहे हैं। डॉक्टर राजीव आहूजा जो कि इमरजेंसी मेडिसिन फिजिशियन है, एसोसिएट प्रोफेसर है यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल लंदन हेल्थ साइंस सेंटर में, वो हमारे साथ ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर दीपांकर बोस कंसल्टेंट एनेस्थेटिस्ट हमारे साथ वॉरविक हॉस्पिटल इंग्लैंड से जुड़ रहे हैं। डॉक्टर रामचरित्र शर्मा जो कि गुथ्र क्लिनिक रॉबर्ट पैकर हॉस्पिटल पेनिसिल्वेनिया से अमेरिका से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर संजीव चौबे मेडिकल डायरेक्टर सेंट माइकल हॉस्पिटल शांघाई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं चीन से, और डॉक्टर यतिन मेहता गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्होंने हाल ही में इटली के कई ऐसे नागरिकों को जो यहां पर फंस गए थे उनका इलाज भी किया था। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर यतिन मेहता भी हमारे साथ हैं और डॉक्टर जी सी खिलनानी कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं आपके पास डॉक्टर शर्मा आना चाहती हूं और ये समझना चाहती हूं कि अमेरिका में इस वक्त परिस्थितियां कैसी हैं, क्योंकि जब हम ये ग्राफ एक बार फुल स्क्रीन ग्राफ दिखाइए, ये ग्राफ दिखाते हैं तो चाहे वो स्पेन हो, इटली हो, अमेरिका हो, ये ऐसे मुल्क है जो चीन को पीछे छोड़ चुके हैं संक्रमण में, जो चीन से कहीं ज्यादा तेजी से स्टीपली जिसे अंग्रेजी में कहते हैं बहुत रफ्तार के साथ इनका ग्राफ ऊपर बढ़ा है, और खास तौर पर अमेरिका को देखें तो अभी तक ये ग्राफ ऊपर की ही तरफ जा रहा है। क्या कहेंगे आप वहां की परिस्थितियों के बारे में? डॉक्टर शर्मा क्या आप मुझे सुन रहे हैं? Hi, can you just tell the RN supervisor not to call me about an hour from now? Dr. Sharma, kya aap mujhe sun pa rahe hain? I am busy on something. I can't be interrupted. Dr. Sharma, tak shayad hamari awaaz nahi pahunch rahi hai. Ek baar phir se unka rukh karenge. Dr. Ahuja ke paas chalte hain. Aapke zariye ye samajhna chahenge ki yahan par Australia ki jo tasveer hai, उससे हम क्या समझ सकते हैं और हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़े सबक उसमें क्या हो सकते हैं? डॉक्टर आहूजा, ऑस्ट्रेलिया में पहला केस 25 जनवरी को हुआ था जी। फर्स्ट 6 वीक्स के अंदर ओनली 80 केस हुए, उसके बाद अनदर 6 वीक के अंदर 5,700 केस आज की डेट में हो चुके हैं। हमारे केस में ये है कि बिकॉज हमारी ऑस्ट्रेलिया की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है बहुत कम है जी। तो लोग दूर दूर रहते हैं, इसलिए सोशल आइसोलेशन फिजिकल डिस्टेंसिंग का फायदा उठाते हुए अभी सिर्फ 108 जो हैं हमारे जो केस पिछले 24 घंटे में हुए हैं, और सिर्फ 5,600 केस पॉजिटिव होने के बावजूद सिर्फ 39 लोगों की मौत हुई है। लेकिन एक चीज ऑस्ट्रेलिया में बहुत इंपॉर्टेंट है जो हुई है कि टेस्टिंग बहुत जोर से चल रही है। 302 लाख
3,02,000 लोगों की टेस्टिंग हो चुकी है। तो जब 3 लाख लोगों की टेस्टिंग होगी तो उसमें नंबर तो ज़्यादा आएगा, और काफ़ी लोग जो है 85% जो हैं उनको ज़्यादा सीरियस इलनेस नहीं होती। तो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि टेस्टिंग बहुत ज़रूरी है, और टेस्टिंग के अलावा जो नंबर ऑफ केसेस हमारे जो हैं अभी कंट्रोल में आ रहे हैं। अभी हम फ्लैटनिंग द कर्व जो होते हैं ना, पहले एक्सप्लॉइट होती है उसके बाद नीचे आती है, उसके बाद हम फ्लैटनिंग द कर्व की बात करते हैं। तो हमारे ऑस्ट्रेलिया में अभी वो आना शुरू हो रहा है, होपफुली ठीक हो जाएगा। ठीक है डॉक्टर बोस के पास अब सीधे चलते हैं, जो हमारे साथ लंदन से इस वक्त जुड़ रहे हैं। डॉक्टर बोस, पिछली बार भी आप आज तक पर आए थे, और जो आपने कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त पूरा मुल्क सुन रहा है इन डॉक्टर्स को। आप सब भारतीय हैं मूल तरीके से, लेकिन अभी वहां पर रह रहे हैं, उन देशों में काम कर रहे हैं। इसीलिए डॉक्टर बोस, ब्रिटेन के एग्जाम्पल से, उसके उदाहरण से इस वक्त क्या कहेंगे आप महत्वपूर्ण है हिंदुस्तान के लिए? लॉकडाउन यहां पर एनफोर्स किया गया है, रैपिड टेस्टिंग पर अब फोकस है, 5 लाख किट्स मंगाए गए हैं जिसमें से 2 लाख कल तक आ जाएंगे, और इसी के साथ अन्य भी कई पैमानों पर तैयारी की जा रही है, चाहे वो क्वारंटाइन सेंटर्स हो, आइसोलेशन सेंटर्स हो, क्या है वो बड़ा सबक? मास्क पर भी एडवाइजरी जारी की गई है, अगर इस पर आप कुछ बोलना चाहें डॉक्टर बोस। नमस्कार। हाँ, ये इंडिया का जो इंडिया जो कुछ सबक ले सकती है यूके से, वो यही है कि देखिए यूके का प्राइम मिनिस्टर आज इंटेंसिव केयर में है। अगर वजीर इंटेंसिव केयर में जा सकता है तो कंट्री में कोई भी इंसान सेफ नहीं है। ये सबसे बड़ा सबक आप ले सकते हैं। एक डेवलप्ड कंट्री में का जो प्राइम मिनिस्टर अगर और हेल्थ मिनिस्टर अगर कोरोना से अफेक्टेड हो सकते हैं तो कोई भी इंसान सेफ नहीं है। अगर हम लोग ये सोच रहे हैं कि ये जो वायरस है ये हमारे पास तक नहीं पहुंचेगी, हम घर के अंदर या कुछ थोड़ा सा इधर उधर निकल लेंगे, छुप लेंगे, आगे जाके खेल लेंगे, तो ये आपको नहीं बख्शेगी। इंग्लैंड में जो स्ट्रेटजी में थोड़ी बहुत इनकी जो वीकनेस रही है वो है लॉकडाउन इन्होंने सही टाइम पे नहीं किया, मेरे ख्याल से। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता। और ये जो लॉकडाउन को डिले करने का जो जो उसका प्रॉब्लम हुआ वो आज आपको दिख रहा है, रैपिडली ये केसेस बढ़ रहे हैं। और दूसरी चीज इंडिया मतलब यूके ने नहीं करी वो ये कि फ्लाइट्स इन्होंने नहीं बंद करे, जबकि इंडिया ने सबसे पहले फ्लाइट्स बंद कर दिए, लॉकडाउन किया। इंडिया यूके से काफी दर्जा आगे है, पर इंडिया में जो प्रॉब्लम ये है कि लोगों को ये समझ अभी तक नहीं आ रही है कि ये वायरस आके आपके घर में घुस के आपके फैमिली मेंबर्स को भी अफेक्ट करेगी। और इतनी फैसिलिटी नहीं है आम जगहों में, क्रिटिकल केयर बेड्स नहीं है कि आप लोग इन सब का इलाज करें। तो ये जो डिफरेंस है यूके और इंडिया में, अभी भी इंडिया बहुत ही लो है ग्राफ में। मैं आपको स्टैटिस्टिक्स देता हूं, मतलब इंडिया में आज अगर 5,000 केसेस हैं, अगर 137 की डेथ हुई है तो डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन ओनली 0.1 है, जबकि यूएसए में डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन इज 33, यूके का डेथ पर मिलियन पॉपुलेशन इज 79, और इटली और चाइना में 295 या 273 पीपल हैव डाइड पर मिलियन। तो डेथ रेट तो बढ़ रही है इन सब कंट्रीज में। ठीक है, फ्लैटनिंग ऑफ कर्व थोड़ा सा हो रहा है। नाउ टॉकिंग अबाउट टेस्टिंग, इंडिया में इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, आप सब लोगों को टेस्ट नहीं कर सकते, और उसमें पैसा आप लोगों का वेस्ट हो जाएगा। आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो अगर करेंगे तो इसमें वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज हो जाएंगे। टेस्टिंग किन लोगों की होनी चाहिए? उन लोगों की होनी चाहिए जो लोग क्रिटिकल हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हो गए, एम्बुलेंस ड्राइवर्स हो गए, पुलिसमैन हो गए, जो केयर कर रहे हैं, क्योंकि इन लोगों के पास आ रहे हैं लोग और ये लोग किसी को स्प्रेड कर सकते हैं, या तो ये लोग घर में बैठे हुए हैं और इन लोगों को आप वापस लाना चाहते हैं। और यही स्ट्रैटेजी अभी यूके ने अडॉप्ट किया है, थोड़ी बहुत हम लोगों की टेस्टिंग में डिले हुई है, पर क्रिटिकल जो वर्कर्स हैं आप उन लोगों को टेस्ट करें। तो जैसे अगर डॉक्टर हूं, मैं घर में बैठा हूं, मेरे को कुछ सिम्टम्स हुआ है, तो अगर मेरे को टेस्ट करके अगर वो नेगेटिव हुआ तो आप जा सकते हैं। अगर आप आम आदमी को जिसको थोड़ी सिम्टम हुई है
उसको आप एज्यूम कर लें कि वो पॉजिटिव है, वो घर में बंद हो जाए, तो आपको उन लोगों को टेस्टिंग करने की जरूरत नहीं है। और अगर किसी ने टेस्ट करके वो नेगेटिव भी पा लिया, ये कोई डायबिटीज नहीं है कि एक बार आपने शुगर टेस्ट कर लिया कि आपको डायबिटीज नहीं है, ये आज आपका नेगेटिव, कल दो दिन बाद आप बाहर जाएंगे आपको फिर पॉजिटिव हो जाएगी। तो इससे गलतफहमी ना आए, तो टेस्टिंग शुड बी ऑफ द क्रिटिकल पीपल। लेकिन दो काउंटर क्वेश्चन इस पे है जो मैं अब आगे ले जाना चाहती हूँ, लेकिन चूंकि आपने डॉक्टर्स की बात की है, जो आंकड़ा है वो भी हम दिखा दे रहे हैं आपको। मध्य प्रदेश में देखिए, अब कई सारे ऐसे डॉक्टर्स हैं, नर्सेज हैं, एक अस्पताल मुंबई में जहां 3 डॉक्टर्स कोरोना पॉजिटिव टेस्ट किए गए और 24 से 26 के आसपास नर्सेज। और ऐसा ही हम आपको हर राज्य का इस वक्त आंकड़ा दिखा रहे हैं कि स्वास्थ्य कर्मियों पर यह खतरा कितना बड़ा है, क्योंकि केरल में देखिए एक नर्स और एक पैरामेडिक्स को भी पॉजिटिव हुआ है। ऐसे ही हम हर राज्य का आंकड़ा आपको दिखा रहे हैं, चंडीगढ़ में दिखा रहे हैं, महाराष्ट्र में भी आंकड़ा बहुत ज्यादा है क्योंकि एक ही अस्पताल में इतने सारे लोग आ गए। अब मैं सीधे लिए चलती हूँ आपको अमेरिका, जहां से डॉक्टर रामचरित मानस शर्मा जी हमारे साथ हैं। और डॉक्टर रामचरित शर्मा जी, मेरा आपसे सवाल ये है, सबसे पहले तो अमेरिका में जो इस वक्त हालत ऐसी हो गई है उस पर मैं आपका रिएक्शन चाहती हूँ, क्योंकि वहां पर हम ग्राफ दिखा रहे हैं बेतहाशा अभी तक ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। दूसरा सवाल ये बताया जा रहा है कि साउथ कोरिया का मॉडल, जिसमें उन्होंने रैपिड टेस्टिंग बहुत ज्यादा की थी और जापान में भी कुछ हद तक किया गया था, मास्क का इस्तेमाल किया और सोशल डिस्टेंसिंग पे ध्यान दिया, वो मॉडल सबसे कारगर हुआ। जब हम ग्राफ दिखाएंगे, वो ग्राफ दिखा दीजिए, तो ऐसे में अमेरिका का सबसे बड़ा सबक इंडिया के लिए। जी, तो धन्यवाद हमको इनवाइट करने के लिए। और जैसा कि पिछले वक्ता ने कहा, सबको टेस्ट नहीं कर सकते हैं किसी भी देश में, जो कि आइडियल होगा हर आदमी का टेस्ट किया जाए और अकॉर्डिंगली उनको अलग किया जाए, तो वो तो नहीं हो सकता है। लेकिन साउथ कोरिया वालों ने क्या किया कि बहुत ज़्यादा टेस्ट किए जितना वो कर सकते थे, जो किसी देश ने नहीं किया। इसीलिए आप देखेंगे कर्व जो साउथ कोरिया का है वो बिटवीन वन डे एंड वन मंथ बहुत अच्छा है बनिस्पत की, डबलिंग टाइम अच्छा है बनिस्पत की USA, स्पेन, इटली, चाइना से भी। तो एक तो वो बात हो गई। अगर आप सबका टेस्ट नहीं कर सकते हैं तो सबसे जरूरी बात है सोशल डिस्टेंसिंग की। अगर आप ऐसा करें कि सवाल सबसे पूछें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, सबसे अच्छा प्रिवेंशन का तरीका क्या है, ए मास्क पहनना, बी 6 फीट की दूरी, सी हाथ धोना, इत्यादि इत्यादि। सबसे इम्पॉर्टेंट है 6 फीट की दूरी रखना किसी भी दूसरे आदमी से। 6 फीट की दूरी इसलिए है, सबको पता है अब तो, बहुत लोग हर तरह से मीडिया से और गवर्नमेंट से एडुकेट हो रहे हैं। 6 फीट की दूरी इसलिए है कि 3 फीट तक एरोसोल या ड्रॉपलेट्स जाता है, 3 फीट के बाद वो फिर ऊपर हवा में नहीं रहता है, नीचे आ जाता है, जमीन पर गिर जाता है। तो 6 फीट अगर आप रखेंगे तो ये बहुत कम चांसेस है कि इन्फेक्शन हो। मास्क भी ठीक है, हाथ धोना तो ठीक है ही, लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ये 6 फीट की दूरी बना के रखना। तो हमारे अमेरिका का जो आपने सवाल किया, कल ही कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें 2 दिन फ्लैट कर्व आया है न्यूयॉर्क का, न्यूयॉर्क सिटी एंड अराउंड न्यूयॉर्क के एरिया का, लेकिन अच्छी बात है, लेकिन उस कोई बहुत सेलिब्रेट करने की बात अभी भी नहीं है, अपेक्स अभी भी आ सकता है कुछ दिनों में। और दूसरे शहरों में हो ही रहा है, आप देखते ही होंगे, न्यू ऑर्लिंस में, डेट्रॉइट में, हर जगह हो रहा है। तो डबलिंग टाइम हालांकि USA का कम है इटली और स्पेन से, लेकिन हमारे यहाँ भी है। आप देखिए कि अमेरिका जैसे देश में भी अभी 8-10 स्टेट और फेडरल गवर्नमेंट ने छोड़ दिया है स्टेट पर, 8-10 स्टेट अभी भी हैं जो लॉकडाउन में नहीं हैं। हिंदुस्तान की बहुत बड़ी खासियत इस मामले में है, और हम लोग सब उस बात को जता रहे हैं कि लॉकडाउन बहुत जल्दी हो गया, परफेक्ट टाइम पे हुआ या नहीं ये कौन जान सकता है, कौन कर सकता है, लेकिन बहुत जल्दी लॉकडाउन हो गया और इतनी
सामाजिक असमानता के बावजूद भी हिंदुस्तान की हालत इस मामले में बहुत अच्छी है इन इन देशों से. शुरू का जो कर्व है हिंदुस्तान का, आप देख रहे हैं उस कर्व पर कि वो ऐसा ही बिहेव कर रहा है जैसे अमेरिका का था. लेकिन हमको पूरी उम्मीद है कि हिंदुस्तान का कर्व अमेरिका से बेटर होगा. तो अभी अभी बिल्कुल किसी को भी इसमें लैक्स होने की जरूरत नहीं है, कहीं भी कोई भी हो दुनिया में, क्योंकि इतना जरूरी है इस पर काबू पाना जब तक कि और कोई दूसरा उपाय न निकल जाए. तो इसलिए आप देख रहे हैं तो हिंदुस्तान का लॉकडाउन बहुत जरूरी था और ये बढ़ेगा मेरा ख्याल है, क्योंकि जैसा कि हमारे साइंटिस्ट ने यहाँ कहा है कि वायरस करता है कि कब होगा अपेक्स या कितने दिन का लॉकडाउन होना चाहिए, आदमी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है, वायरस प्रेडिक्ट करता है. हाँ. तो देखिए क्या होता है. तो हम लोग सब वॉच कर रहे हैं खुली आंखों से. जी डॉक्टर शर्मा बने रहिए हमारे साथ, हम आएंगे अब वापस एक सवाल लेकर आपके पास. हमारे साथ डॉक्टर संजीव चौबे भी शंघाई से जुड़े हुए हैं और डॉक्टर यतिन मेहता भी हमारे साथ बने हुए हैं. लेकिन इससे पहले कि मैं डॉक्टर चौबे के पास जाऊं ये राउंड अप करने के लिए, क्योंकि चीन से परिस्थितियां शुरू हुई थी और वो कहां पर बीच में उस ग्राफ को नीचे करने में कामयाब हुआ और इंडिया के लिए क्या सबक है. लेकिन उससे पहले डॉक्टर मेहता, चूंकि आपने इटली से आए हुए नागरिकों का भी ट्रीटमेंट किया, इटली स्पेन अमेरिका सबकी हालत हम देख रहे हैं, इधर जापान और साउथ कोरिया की भी देख रहे हैं, आपने दोनों ही डॉक्टर्स को सुना, ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन सही वक्त पर हमने लिया फैसला, ये भी जताया जा रहा है जो एक्सपर्ट्स और तमाम राज्यों की सरकारें कह रही हैं, वो चाह रही हैं कि लॉकडाउन को एक्सटेंड भी किया जाए, आपको क्या दिखता है? देखिए, एक तो मैं ये कहूंगा कि हमारे नंबर्स अभी भी कंट्रोल में है, क्योंकि जो लॉकडाउन हुआ वो करेक्ट टाइम पे हुआ. इतनी प्रोएक्टिव हेल्थ मिनिस्ट्री और प्राइम मिनिस्टर कभी भी नहीं थे. पूरे देश को लॉकडाउन करना आसान नहीं है, 1.3 बिलियन लोगों को उस तरह करना. कुछ थोड़े बहुत इंसिडेंट इधर उधर हुए हैं, थोड़े लोगों ने उसको ब्रेक करने की कोशिश की है, लेकिन इतने बड़े देश में इस तरह की चीज़ें तो होंगी. तो अभी भी चीज़ें हमारी कंट्रोल में मुझे लगता है कि उम्मीद है कि होगी. बहुत टाइमली लॉकडाउन हुआ, रीजनेबली इफेक्टिव लॉकडाउन हुआ है और उम्मीद करता हूं कि ये कंट्रोल में आ जाए. और लॉकडाउन के बजाय जो टेस्टिंग की जो बात कर रही है, टेस्टिंग बट ये बात मेरे डॉक्टर रामचंद्र जी ने अच्छी बात बताई कि 1.3 बिलियन में आप सबको टेस्ट नहीं कर सकते, इसलिए गवर्नमेंट भी इंक्रीज टेस्टिंग का बढ़ा रही है और 5 लाख किट्स अभी आ रही है एंटीबॉडी टेस्टिंग की, जो हम शायद परसों शुरू करेंगे और उससे काफी डेटा कलेक्ट होगा. क्योंकि टेस्टिंग का फायदा तभी होता है जब टेस्ट करके आप उसके पे एक्शन लें, जैसे आइसोलेशन, फिजिकल आइसोलेशन, क्वारंटीन, वो सब उस बेसिस पे होता है और एपिडेमियोलॉजी के लिए पता लगता है कि कहाँ से केसेस आ रहे हैं. तो वो हो रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कि कुछ कंट्रोल में आएगा. जी डॉक्टर जी सी खिलनानी भी चेयरमैन PSRI के इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के हमारे साथ जुड़ गए हैं, एक प्रोफेसर है मेडिसिन के एम्स से. अब मैं आपके पास भी सर आऊंगी खिलानी साहब, जल्दी से एक बार डॉक्टर चौबे के पास चलते हैं. शंघाई, चीन का वुहान, और लगातार हम आपके साथ डॉक्टर चौबे संपर्क में है. मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे वो लॉकडाउन हो जो बड़ी ही सख्ती से चीन ने कई जगहों पर लागू किया, दूसरा टेस्टिंग जिसमें हमने देखा कि दक्षिण कोरिया ने बहुत ही तेजी दिखाई, क्या है वो सबक जो इस वक्त चीन को कुछ हद तक नियंत्रण पाने में कामयाब रहा, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के देश और अमेरिका इसमें पिछड़ गए? इसमें देखिए दो तीन फैक्टर हैं. सबसे पहले बात है कि जो एपिसेंटर था वो वुहान था, हम सब लोग जानते हैं, और जब चाइनीज गवर्नमेंट को ये पता चला तो उन्होंने कम्प्लीटली वुहान को ही लॉकडाउन किया. जब तक वो लॉकडाउन करते कुछ लोग माइग्रेट कर चुके थे, किसी क्योंकि वो लूनर फेस्टिवल था और लूनर फेस्टिवल होने की वजह से वो दूसरे प्रोविंसेस में चले गए थे, यहाँ तक कि शंघाई में भी 350 केस के अलावा ज़्यादा नहीं आए और सिर्फ 7 डेथ्स हुई हैं. तो सबसे जो मेजर स्टेप गवर्नमेंट ने यहाँ लिया वो था वो लॉकडाउन, नंबर वन. दूसरी बात यह है कि जो साउथ कोरिया की आप बात कर रही हैं, जो रैपिड टेस्टिंग, आपको मैं टोक रही हूँ, साउथ कोरिया पे बाद में आएंगे, एक बार मुझे लॉकडाउन पर अगर आप ये बता सके
कि कितने दिनों का लॉकडाउन एनफोर्स किया गया वुहान में, और अगर शंघाई में भी ऐसा ही लॉकडाउन हुआ था या अन्य प्रोविंसेस में भी, तो कितने स्पैन का लॉकडाउन इफेक्टिव होता है पूरे साइकिल को तोड़ने में या फिर चेन को तोड़ने में? सर्किट ब्रेक 2 महीने. 2 महीने? 2 months. तो वुहान में 2 महीने का पूरा लॉकडाउन रखा गया था. वुहान तो अभी भी लॉकडाउन में है, बाकी जो अदर प्रोविंसेस है, लेकिन अब वुहान को ओपन कर दिया गया है, अब लोग आ रहे हैं, लेकिन वहां से कुछ पॉजिटिव केसेस भी आ रहे हैं. बट जो अदर प्रोविंसेस थे जहां पे लोग उस वक्त माइग्रेट हुए थे, उन जगह से कोई न्यू केसेस अभी तक ऑफिशियली रिकॉर्ड नहीं हुआ है, और ना वैसे भी कोई रिकॉर्ड नहीं हो रहा है. तो ऑलमोस्ट कम से कम 81,000 केस में से 76,000 पेशेंट तो रिकवर हो चुके हैं. रिगार्डिंग यही है कि करीब 3,000 के आसपास जो केस है वो क्रिटिकल हैं, जो ओल्डरली एज के साथ कुछ उनके अपने अलग कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं जिसके साथ उनको वो वायरस अटैक कर रहा है. यानी देखिए, दो तरह की बातें होती हैं. एक होता है कि वायरस किसी को अटैक किया और उससे डेथ होना, और दूसरा किसी को पहले से मान लो कि कोई बीमारी है और उसके ऊपर वायरस अटैक किया और उससे डेथ होना. दोनों का अलग एक डेमोग्राफिक और एक एपिडेमियोलॉजी बनता है. अब आप इस बात को समझ लीजिए कि जो लॉकडाउन की जो प्रक्रिया है यहाँ पे बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो किया गया, और अब जाके शंघाई में अभी भी ऐसा नहीं है कि इस कम्प्लीटली ओपन, बट ये है कि 90% जो लोगों की लाइफ है वो नॉर्मल पटरी पे आ चुकी है. अब सर्जरी शुरू हो चुके हैं, नॉर्मल सर्जरी, इलेक्टिव सर्जरीज, ये सब चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे. मुझे सिर्फ एक ही चीज़ का प्रॉब्लम था कि जब मैं आपसे मैं लगातार जुड़ा हुआ हूँ, मैंने पहले भी एक बार डॉक्टर से बोला, क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट ने हमें शुरू से ही बोला कि आप मास्क पहनिए, इससे मैंडेटरी मास्क पहनना चाहिए आपको. उसके अलावा जो है आपका हैंड हाइजीन, ये सब बेसिक चीज़ें हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं. यूएस के डॉक्टर्स और स्पेन या ऑस्ट्रेलिया या और पता नहीं अदर कंट्रीज के जो डॉक्टर्स हैं वो बोल रहे हैं कि मास्क का कोई रोल नहीं. अगर मास्क का कोई रोल नहीं है तो फिर ये नंबर ऑफ केसेस क्यों बढ़ रहे हैं? डॉक्टर शर्मा आपकी बात पे रिएक्ट करना चाह रहे थे. डॉक्टर शर्मा, मास्क पर स्पेसिफिकली उनका क्वेश्चन है, और जिस तरह से यूरोप अमेरिका में, आप अमेरिका से हैं, वहां पर केसेस बढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं मास्क नहीं पहनना उनकी नजर में एक कमी रही है, एक 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 गलत फैसले के तौर पर इसे देख रहे हैं वो. बिल्कुल देखिए, हाँ, मास्क के पहले मैं युहान की एक बात जोड़ना चाहता हूँ. व्हाट चाइना ने क्या किया कि युहान को एक आइलैंड बना दिया, कंप्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम रेस्ट ऑफ चाइना. इसलिए कोई भी केस, छिटपुट केस गया, बट कोई भी इतना ज़्यादा उनके बड़े शहरों में नहीं फैला. वुहान को एकदम बना दिया, चारों तरफ से टाइट एक आइलैंड की तरह चाइना से अलग कर लिया, इसलिए ऐसा हुआ. तो वो लॉकडाउन का फ़ायदा तो ऐसा है ही. हमारे यहाँ न्यूयॉर्क सिटी से तब भी लोग फ्लोरिडा ट्रैवल कर रहे थे, अगर दूसरे स्टेट्स में जा रहे थे, वो भी एक हम लोगों का डिस्कशन का टाइम था. और फ्लोरिडा के गवर्नर और न्यूयॉर्क के गवर्नर, इन लोगों का डिस्कशन एक साथ. तो वो हुई बात लॉकडाउन की. पिछले वक्ता ने बहुत अच्छी बात कही कि लॉकडाउन होना बहुत ज़रूरी है इसको रोकने के लिए. मास्क की बात लीजिए, तो CDC हमारा USA का जो है वो इस बात पर हमेशा से सोचता रहा है, और जैसे जैसे डेटा आते रहे, जैसे जैसे ऑब्जर्वेशन होते रहे इन बातों के बारे में, तो मास्क को हम लोगों के यहाँ अलाउ किया गया है. हम पेंसिल्वेनिया में हैं, मास्क पहन के लोग चलते हैं. उसके लिए आपको कोई पनिशमेंट नहीं होगा, लेकिन मास्क से सबसे ज़्यादा फायदा है कि आप दूसरे को नहीं इन्फेक्ट करेंगे. बहुत कम, आपको बहुत कम फायदा उससे है, लेकिन दूसरे को ज़्यादा फायदा है. ठीक है. तो मास्क तो आजकल आप कपड़े का बनाना या मास्क की कमी है उसको देखते हुए हेल्थ केयर वर्कर्स को चाहिए जरूरी. तो वो सब हिसाब किताब लगाने के बाद डायरेक्टिव्स आ रहा है धीरे धीरे. और आजकल हमारे यहाँ अभी मास्क पहनना अच्छी बात बताई जा रही है, तो हम लोग अब मास्क पहनते हैं बाहर निकलने पर. सब लोग नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम लोग करते हैं. वो एक सवाल था कि हम जॉगिंग कर रहे हैं
और दूसरा जॉगर दूसरी दिशा से आ रहा है और हम लोग नहीं हैं 6 फीट पर, तो क्या होगा? देखिए, मास्क पहन के दौड़िए अच्छी ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंसिंग 6 फीट का बहुत जरूरी है, आप मास्क पहने या ना पहने। ठीक है सर, जी ठीक है। मैं डॉक्टर चौबे हाथ उठा रहे थे इस पर बोलने के लिए, लेकिन आपके पास आने से एक सेकंड मुझे इजाजत दें, क्योंकि डॉक्टर खिलनानी भी हमारे साथ लंबे वक्त से जुड़े हैं, उसके बाद मैं फौरन आपके पास डॉक्टर चौबे आऊंगी। डॉक्टर खिलनानी, लॉकडाउन, टेस्टिंग, मास्क और शुरू से हैंड हाइजीन और सोशल डिस्टेंसिंग पर तो कोई सवाल है ही नहीं, ये तो ऐसे मस्ट है जो हर किसी को फॉलो करना है, और ये भारत सरकार और हमने भी मीडिया के जरिए हर किसी को इस पर जागृत किया है। लेकिन ये 3 इश्यूज हैं जिसके जरिए हर मुल्क का ग्राफ, जिसे कोरोना ग्राफ कहा जा रहा है, वो लगभग डिसाइड हो रहा है कि कैसे बढ़ना है। लॉकडाउन, टेस्टिंग और साथ ही ये मास्क का इस्तेमाल, इस पर आपकी क्या राय है? और इंडिया के नजरिए से जब आप लॉकडाउन को देखते हैं, राज्य सरकारों ने कहा है कि लॉकडाउन बढ़ाने की जरूरत है, आप क्या कहेंगे अपने अनुभव से? डॉक्टर खिलनान, देखिए ऐसा है कि जो ये कोरोना वायरस है, न तो हमारे पास कोई कारगर दवाई है, न हमारे पास कोई वैक्सीनेशन है जी। हम सिर्फ ये जानते हैं कि ये कैसे फैलता है। तो हमारे पास एक ही, हमारे पास जो हथियार है वो तो एक ही है कि ट्रांसमिशन को रोकना है। और ये भी तय है कि ये सेल्फ लिमिटिंग है, मतलब 14 दिन के अंदर अमूमन, हालांकि आगे किसी में लंबा भी जाता है, 14 दिन के अंदर वायरस शरीर में अपने आप खत्म हो जाता है। अगर आप आइसोलेट कर देंगे सब लोगों को, अगर ट्रांसमिशन बंद हो जाएगा तो लॉकडाउन, उसका तरीका सिर्फ लॉकडाउन ही है, क्योंकि जो फॉर्मलिटीज के जरिए जो ट्रांसमिशन होता है ना, कि आपने टेबल को छू लिया, लैपटॉप को छू लिया, मोबाइल को छू लिया, कपड़े को छू लिया, उससे जब बीमारी फैलने लग जाए, स्पेशली जब वायरस की लाइफ है 7 से 9 दिन फॉर्मलिटीज से, तो इसलिए इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सब स्पीकर्स ने बोला है, सब एक्सपर्ट्स ने बोला है कि लॉकडाउन इज द ओनली सॉल्यूशन, और वुहान उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, उसका रिवर्स एग्जाम्पल, इंग्लैंड और अमेरिका उसका बिल्कुल रिवर्स एग्जाम्पल है, जहां तबाही एक तरह से मच रही है। न्यूयॉर्क, सोशल डिस्टेंसिंग इज पार्ट ऑफ द लॉकडाउन, सोशल डिस्टेंसिंग इज पार्ट ऑफ द लॉकडाउन, और इसलिए वो 6 फुट कहें या 4.5 फुट कहें या 3 फुट कहें। और आपने तीसरा सवाल जब मास्क का पूछा, जो जो वैज्ञानिक प्रमाण है वो ये बोलता है कि अगर जिस मरीज जो जो जिसको वायरल बुखार है वो अगर मास्क पहनेगा तो उससे सबको प्रोटेक्शन मिलता है, अगर आप पहनते हो तो आपको ज्यादा बचाव नहीं मिलता, ये एविडेंस है। पर मैं कहता हूँ लैक ऑफ एविडेंस इज नॉट एविडेंस टू कॉन्ट्ररी, एक सिंपल मास्क पहनने से अगर आपका बचाव हो जाता है। और दूसरी बात है कि ये वायरस एक अजीब किस्म का वायरस है, जो इंक्यूबेशन पीरियड में भी, मतलब बुखार, खांसी, गला खराब होने से पहले ही वो फैलाना शुरू कर देता है बीमारी को, इसका हमारे पास प्रमाण है, इसलिए ये जरूरी है। अब किसको क्या पता, किसको क्या पता कि किसको कल कोरोना होने वाला है, अगर वो इंक्यूबेशन पीरियड में है जो कि 2 से 14 दिन तक हो सकता है। इसलिए जरूरी है कि अगर सब लोग मास्क पहन लेंगे तो जिस जो जो बिना सिम्टम्स के भी ट्रांसमिट करता होगा वो उसको ट्रांसमिट नहीं करेगा, और जो जिस जो रेसिपिएंट है उसको अगर 10% भी प्रोटेक्शन मिलता है तो क्या बुरा है। तो इसलिए मैं कहूंगा कि जब भी ये लॉकडाउन खुलता है या हम लोग जब मार्केट जाते हैं कुछ सामान लेने, जरूरी सामान, तो मैं सबको दूंगा कि मास्क पहने, कपड़े का बना के पहने, घर में बना के धो के पहने, लेकिन पहने जरूर। डॉक्टर चौबे, आप अपनी बात अब पूरी कर सकते हैं। वुहान के का जिक्र डॉक्टर खिलनानी ने भी किया और डॉक्टर शर्मा ने भी किया, उस पर आप रिएक्ट करना चाह रहे थे। मास्क को डॉक्टर खिलनानी भी कह रहे हैं कि, और भारत सरकार ने भी अपनी तरफ से एडवाइजरी दी है कि आप घर में बनाकर भी मास्क कपड़े का पहन सकते हैं, लेकिन सफाई रखनी बहुत जरूरी है, आपको इंश्योर करना है कि वो धुला हो, 5 मिनट तक पानी में खोला हुआ हो, साफ हो, और साफ मास्क ही आप पहने। डॉक्टर चौबे, देखिए सबसे पहले तो आप लोग को ये समझना चाहिए था, जब ये स्टार्टिंग हुआ तो पहला सवाल ये था कि किसी को भी नहीं पता था, सबने इसको फ्लू की तरह लिया, एक जैसे नॉर्मल सीजनल फ्लू होता है। बट जैसे जैसे ग्रेजुअली ये जनवरी फरवरी में एकदम मल्टीपल कंट्री, जब पैंडेमिक हो गया, तब भी लोगों को समझना चाहिए था कि इस वायरस का नेचर तो अभी तक समझ नहीं आ रहा है, ये तो ह्यूमिड में भी सर्वाइव कर रहा है, डेजर्ट में भी सर्वाइव कर रहा है और कोल्ड में भी सर्वाइव कर रहा है।
तो और अभी तो रिसेंटली WHO के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बोल दिया कि अब तो ये एरोसॉल है, पहले तो बोले थे ड्रॉपलेट है। तो अब जब ये इतना पैंडेमिक हो रहा है और हर दिन केसेस बढ़ते जा रहे हैं, 10 लाख से ऊपर से ज़्यादा केस हो चुके हैं, तो मेरा सिर्फ यही कहना है कि अगर चाइना ने इस प्रोटोकॉल को फॉलो किया, कि क्योंकि जो एशियन कंट्रीज हैं हम लोग झेल चुके हैं इस चीज़ों को, हम लोग हर साल फ्लू देखते हैं, हम हर साल यहाँ पे मलेरिया देखते हैं, डेंगू देखते हैं, और बाकी जो है बाकी जो कंट्रीज हैं जहाँ पे जैसे टीवी नहीं है, US में टीवी नहीं होता, वहाँ डेंगू के केस नहीं होते, दे आर नॉट प्रिपेयर्ड फॉर डैट, मैं ये कहूँगा। बट मेरा जो ये कहना था कि जो रिजिडनेस था, मतलब एक हेल्थ सेक्टर को लेके कि नहीं मास्क वर्सेस नो मास्क, तो मैं शुरू से कह रहा हूँ, राइट फ्रॉम द डे ऑफ बिगिनिंग दैट आई एम जॉइन द दिस ग्रुप, और पिछले 2 महीने से बोल रहा हूँ कि मास्क पहनिए, इस एक्चुअली आप अपने आप को ही नहीं प्रिवेंट कर रहे हैं, आप दूसरे के अफेक्ट से भी खुद बच रहे हैं। तो मास्क आज के डेट में आप देख लीजिए कि चाइना का जो नंबर 6ठे पे आ गया है अगर आप रैंकिंग में देखेंगे, और नंबर US में चला गया 1 पे, क्योंकि उन्होंने शुरू में ही बोल दिया कि मास्क की जरूरत नहीं अनलेस और अंटिल यू हैव डोंट हैव सिम्टम्स, बिकॉज यू डोंट नो द नेचर ऑफ द वायरस, आपको पता ही नहीं है कि वो अभी तक ये नहीं पता है कि उसका वायरस का नेचर क्या है। ये तो एसिम्प्टोमेटिक, ये तो डिक्लेयर किया गया कि एसिम्प्टोमेटिक, यानी ये वायरस उसमें भी एंटर करता है जिसमें कोई सिम्टम नहीं है। तो नोइंग द रिसर्च एंड स्टडीज, ये तो कम से कम बेसिक एक होना चाहिए था कि अवेयरनेस के लिए कि मास्क होना ही चाहिए था। डॉक्टर शर्मा जी, हाँ देखिए, इन्फेक्शन प्राइमरीली 3 तरह से होता है, एक तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन एंड एरोसॉल इन्फेक्शन भी होता है, इसलिए डिस्टेंस 6 फीट का रफली तय किया गया, 3 फीट यूजुअली एरोसॉल या ड्रॉपलेट्स जाता है, उसके बाद नीचे गिर जाता है, इसलिए इन्फेक्शन कम होगा। तीसरे तरह का इन्फेक्शन का कारण होता है किसी सतह को आप टच करें, अपनी उंगलियों से टच करें किसी सतह को जो इन्फेक्टेड है, उसके बाद अपने चेहरे को, नाक को, आँख को छुएं, तो उससे वायरस जाता है, और इसीलिए ये सोशल डिस्टेंसिंग एंड लॉकआउट और ये सारे मिटिगेशन के की चीज़ें बताई जा रही हैं। प्रिवेंशन आएगा, वैक्सीन अगर आया तो बहुत अच्छी बात है, जल्दी होता नहीं है, उसके बाद ये कम होगा। तो और एक बात हो रही थी कि कितने दिन में क्योर हो जाता है आदमी या इन्फेक्टिव रहता है, तो देखिए सिम्टम्स आपके क्योर हो जा सकते हैं, 14 दिन में क्योर हो जाएगा, आप लॉकआउट रहिए, सेपरेटेड रहिए, लेकिन आपके आपके शरीर में वायरस तब भी रहेगा, कम से कम 28 दिनों तक आप इन्फेक्टिव हो सकते हैं। पक्का प्रूफ कि आप इन्फेक्ट किसी को नहीं कर सकते हैं तभी हो सकता है कि जबकि एक टेस्ट नेगेटिव आए और फिर 24 घंटे के बाद फिर दूसरा टेस्ट भी नेगेटिव आए, तभी आप कंप्लीटली क्लियर कहे जा सकते हैं। तो इसलिए प्रिकॉशन उसके बाद भी जरूरी है। और मास्क के बारे में पिछले वक्ता ने बताया, सच्ची बात है, मास्क से आप दूसरे को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जितना भी हो सकता है, कोई भी परफेक्ट प्रिवेंशन या मिटिगेशन किसी भी डिजीज का नहीं होता है, तो इसलिए ये सब जरूरी है। और लॉकडाउन का मतलब है कि आप अपने घरों से तो ना निकलें, और अगर सिम्टम्स हैं तो सेपरेटेड रहें, अगर शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस में तकलीफ है और टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात है कि इस इतने तरह के सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, आपको मालूम होगा ऑस्ट्रेलिया की लेडी जो शिप पर थी, उसको सिर्फ स्वेटिंग होता था रात को, 5-6 बार कपड़े बदलती थी रात को, ये सब सारे कार्डिनल फीचर्स, खांसी और शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ और बुखार कुछ नहीं उतना था उनको। तो इसलिए हम लोग सीख रहे हैं, इससे अभी भी बहुत कुछ बाकी है इस डिजीज से सीखना, लेकिन धीरे धीरे सब चीज़ों को मिला करके इन बातों को, सबसे सबसे जरूरी बात एक और है जो इन बातों के अलावा किया जा सकता है और हर देश में किया जा सकता है, वो ये है कि वो लोगों से जो ठीक हो चुके हैं कोरोना से, उनका सेरम लें, उनका ब्लड सेरम लें, और उसके एंटीबॉडीज को
ट्रांसफ्यूज करने से दूसरे मरीज में फायदा हो रहा है, क्योर हो रहा है एंटीबॉडी से, और अगर ट्रांसफ्यूज नहीं भी किया जा सकता है दूसरे मरीज को, तो दूसरे मरीज को, तो उससे बहुत सारे साइंटिफिक फैक्ट्स पता चलते हैं। इसलिए ये हर यहाँ अमेरिका में हर आदमी को एनकरेज किया जा रहा है कि अगर आप क्योर हो गए हो तो वॉलंटियर करिए अपना सेरम देने के लिए, उससे बहुत पता चलेगा, इलाज भी हो सकता है बहुतों का, और उसकी खोज बड़ी बहुत जारी है, वैक्सीन का तो चल ही रहा है। जी, और डॉक्टर शर्मा आपकी इसी बात पर, डॉक्टर यतिन मेहता भी हाथ उठा रहे हैं कुछ बताने के लिए, जिसके बाद में डॉक्टर बोस और डॉक्टर मेहता, क्योंकि आपने ट्रीट भी किया। सर आपकी आवाज में कुछ दिक्कत आ रही है, मैं फौरन उस तकनीकी खराबी को सॉर्ट आउट कराती हूँ, आप दो सेकंड बस अपने थॉट्स को आप होल्ड करके रखें, हम फौरन वापस आपके साथ फोन कनेक्ट करें। डॉक्टर बोस, जितनी भी बातें अभी आपने सुनी है तमाम अलग अलग देशों से, अलग अलग मुल्कों से, इसको फैक्टर इन करके अगर हम देखें तो बेस्ट मेडिकल प्रैक्टिसेस इस वक्त, बेस्ट जो सिटीजन प्रैक्टिसेस इस वक्त हो सकते हैं, और साथ ही ये जो सिरम के जरिए ट्रीटमेंट और रिसर्च की बात डॉक्टर शर्मा अमेरिका से बता रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? जो एक बार पेशेंट हुआ कोरोना का, बाद में ठीक हो गया, उसके सिरम के इस्तेमाल की जो वो बात कर रहे हैं। हाँ जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जरा पॉपुलेशन डेंसिटी के ऊपर जाना चाहता हूँ। मैंने पिछली बार भी कहा था कि इंडिया का पॉपुलेशन डेंसिटी है 420 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर, इंग्लैंड का है 274, यूएसए का है ओनली 36। अब ये जो 6 feet का जो हम डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग कह रहे हैं, ये बहुत प्रैक्टिकल है, सबसे बढ़िया एडवाइस है, पर इंडिया के लिए ये हर जगह मुमकिन नहीं है। लोग स्लम्स में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, एक घर में 10-10 लोग रहते हैं, तो ये लोग 6 feet का डिस्टेंस कैसे मेंटेन करेंगे? तो ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, हमको जो सोल्यूशन है वो हमको अडॉप्ट करना पड़ेगा अपने कंट्री के लिए। तो अगर हम टेस्टिंग सबका नहीं कर सकते और अगर हम 6 feet का डिस्टेंसिंग नहीं कर सकते तो थोड़ा मास्क तो पहन ही सकते हैं, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। सेकेंड थिंग, अगर किसी को सिम्टम होता है ये कोरोना वायरस का, हमको अज्यूम करना चाहिए कि उस इंसान को हो गया है कोरोना वायरस, और उनके घर वालों को अगर आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। तो ये सारा फैमिली अपने आप को क्वारंटाइन करें, बाहर ना निकलें, सब्जी खरीदने ना निकलें, बीड़ी फूकने ना निकलें। अगर आप बाहर जाते हैं, घर में किसी को नहीं है सिम्टम, अगर वो बाहर जाता है बीड़ी फूकने के लिए या सब्जी लेने के लिए, वो जब घर के अंदर आता है उसको अज्यूम करना चाहिए या घर वालों को अज्यूम करना चाहिए ये कोरोना लेके ही अंदर आया है। तो उसको हम कैसे करें, कैसे उसको सॉर्ट आउट करें? तभी स्मॉल फैमिलीज के अंदर मास्क पहनना, हाथ धोना बहुत इंपॉर्टेंट है। जबकि ये इंडिया में डिफरेंट है, जबकि यूएसए में बहुत बड़ा बड़े जगह हैं, बड़े बड़े घर हैं, वहां पे आप कर सकते हैं। लॉकडाउन के आगे क्या है? हिंदुस्तान 21 दिन वाले लॉकडाउन के आखिरी सप्ताह में है, क्या हो आगे का फैसला, क्या सीख सकते हैं हम अमेरिका, स्पेन, इटली जैसे मुल्कों से, और कैसे जापान और दक्षिण कोरिया ने फतह पाई है कोरोना ग्राफ को मोड़ने में, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल। देखते रहिए आज तक, आगे देखें दुनिया आज तक।